हेलो दिस इज इंदरजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, साइलेंस कैन यू हियर इट, अ मर्डर मिस्ट्री फिल्म जो प्रीमियर हो चुकी है आज Zee5 प्रीमियम के ऊपर। द फिल्म इज स्टारिंग मनोज बाजपेयी, प्राची देसाई एंड अर्जुन माथुर इन द प्रोमिनेंट रोल्स। डायरेक्टेड बाय अबन ब्रुचा देओंस, जिनका कुछ लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है डायरेक्शन के अंदर, बट यस एज एन एक्टर अगर आपने डियर जिंदगी देखी है तो आलिया भट्ट की माँ के कैरेक्टर में हम इन्हें देख चुके हैं, तो अब आपको शायद थोड़ा याद आ रहा होगा। सो कोई भी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है इनका डायरेक्शन के अंदर, सो इन अ वे वी कैन से कि साइलेंस कैन यू हियर इट इनका डेब्यू प्रोजेक्ट भी है, बट एज अ डेब्यू डायरेक्टोरियल आई वुड से शी हैज़ डन अ वेरी फाइन जॉब। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि मर्डर मिस्ट्रीज इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर बनाना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। बहुत सारा कंटेंट बन चुका है इसके ऊपर, हॉलीवुड भी हमारे लिए 24 आवर्स ओपन है, हम बहुत कुछ देखते रहते हैं हॉलीवुड का, और मर्डर मिस्ट्रीज थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ये सब को अच्छा लगता है और हर बंदा बहुत ही इंटरेस्ट से देखता है इसे। सो डायरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है कि उसकी स्टोरी या डायरेक्शन के कारण कुछ ऐसी चीज़ ना आ जाए जहाँ कुछ भी कहीं से भी मैच कर जाए किसी भी कंटेंट के साथ और लोगों को पता लग जाए कि हो कह रहा है, या फिर कॉपी का टैग ना लग जाए कि कॉपीड है कंटेंट। सो ये सब फैक्टर्स का जो प्रेशर था वो मैं समझ सकता हूँ अबन ब्रुचा देओंस के ऊपर, जो कि डायरेक्टर हैं, और इसी प्रेशर के कारण मुझे लगता है कि क्लाइमैक्स उतना ज़ोरदार नहीं बना, क्योंकि अब आपको किलर्स हैं जो मर्डरर्स हैं वो आपको छिपा कर रखने पड़ते हैं कि कहीं से भी किसी को पता ना लग जाए, और तभी क्लाइमैक्स के अंदर जब सब कुछ रिवील होता है ओके दैट्स द मर्डरर, तब आपको धक्का नहीं लगता, आपको शॉक नहीं लगता और वाव फैक्टर है वो कम्प्लीटली मिसिंग रहता है। अगर क्लाइमैक्स की बात छोड़ दूं, हालांकि क्लाइमैक्स में बहुत ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है, कईयों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये, बट फिर भी जो पूरी फिल्म का पेस है और जो पूरी फिल्म का एक एक लेवल है जिस लेवल पर चलती है पूरी फिल्म, क्लाइमैक्स उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लगा, क्योंकि हमें लगा कि यार अब मतलब ये करोगे, ये चीज़ मेरे माइंड में एक बार आई थी, बट फिर भी द फिल्म इज़ वेरी गुड, मतलब अ स्मार्ट मर्डर मिस्ट्री आई वुड से। स्टोरी की अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ, जो ट्रेलर से भी हमें पता लगता ही है कि एक लड़की है पूजा जिसका मर्डर हो चुका है और इसकी इन्वेस्टिगेशन मिली है ACP अविनाश वर्मा को, यानी कि मनोज बाजपेयी को, और मर्डरर का जो सस्पेक्ट है दैट इज रवि खन्ना, जो कि MLA भी है प्लेड बाय अर्जुन माथुर। और रवि खन्ना के ऊपर शक जाता क्यों है, क्योंकि पूजा है जो जिसका मर्डर हुआ है लड़की का, और रवि खन्ना की वाइफ है जो, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यानी कि पूजा और रवि खन्ना की वाइफ, और फैमिली फ्रेंड्स भी हैं दोनों, तो जिस कारण कुछ ऐसे क्लू मिलते हैं कि रवि खन्ना ने ही शायद उसका मर्डर किया है, तो ये स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि रवि खन्ना ने ही शायद मर्डर किया है और उनके ऊपर ही सारी फिल्म चलती है। तो अब क्या उन्होंने किया है या नहीं, और अगर किया है तो क्यों किया है, ऐसे क्या हालात क्रिएट हुए थे कि उन्हें मर्डर करना पड़ा। सो गाइस, दैट्स द स्टोरी ऑफ साइलेंस कैन यू हियर इट। अगर मैं बात करूँ उस परफॉर्मेंसेस की, सो द फिल्म इज ऑल अबाउट, इट्स अ वन मैन शो आई वुड से, दैट्स मनोज बाजपेयी, जिन्हें अभी हाल ही में 2019 की उनकी फिल्म भोंसले के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है एज बेस्ट एक्टर, और डाउट नहीं है उनकी एक्टिंग में, किसी को भी 3 नेशनल अवार्ड ले चुके हैं वो। सो बहुत ही अच्छा काम है उनका एज एन ACP अविनाश वर्मा, मतलब चाहे वो गाली दे रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो रहे हैं, हर जगह पे ही इज़ इम्पैक्टिंग, इक्वली इम्पैक्टिंग आई वुड से। फिल्म के अंदर कॉमिक एंगल भी बहुत अच्छा है, और जिस तरह से उनकी टाइमिंग होती है बहुत ही, उनके चेहरे पर हंसी भी नहीं आती और बहुत ही साइलेंटली वो छोटा सा पंच मार कर निकल जाते हैं, भरपूर है इस फिल्म के अंदर, आपको हर 15 मिनट के बाद कुछ ना कुछ हंसी की चीज़ सामने आ ही जाएगी। तो ह्यूमर भी काफ़ी ज़्यादा रखा गया है जिस कारण आपको बोरियत महसूस ना हो कि यार ये तो सारा सिर्फ मर्डर में ही लेके हमें डिप्रेस कर रही है, ऐसा भी नहीं है। सो ये भी डायरेक्शन का एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। सो इनके अलावा प्राची देसाई, जिनको काफ़ी टाइम के बाद मैंने देखा, एंड शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, और वो लग नहीं रहा कि बहुत टाइम गायब थी पर्दे से, बट फिर भी वो जितना उनका काम था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ठीक किया, बट ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर उन्हें नहीं मिला यहाँ पर भी। अर्जुन माथुर, मैं फ़ैन हूँ उनकी एक्टिंग का, चाहे वो फिर मेड इन हेवन हो, चाहे वो जो अभी लॉकडाउन के ऊपर उनकी कोरोना के ऊपर वेब सीरीज़ आई थी वुड के ऊपर, चाहे वो सीरीज़ हो या जो भी हो, अर्जुन माथुर का काम आई जस्ट लव दैट मैन, एंड एज एन एक्टर ही इज़ डैम गुड, और काम उन्होंने यहाँ पर भी बहुत अच्छा किया है। डायरेक्शन के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ कि बहुत ही अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने, हालांकि कोई इतना बड़ा पास रिकॉर्ड नहीं है उनके पास शॉर्ट मूवीज़ या गानों की डायरेक्शन की है उन्होंने आज तक, बट एज अ मर्डर मिस्ट्री डायरेक्टर उन्होंने पकड़ ली पहला ही काम, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम था ये और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने एज अ डायरेक्टर। सो गाइस, मीन लास्ट वर्ड, साइलेंस कैन यू हियर इट, अगर आप मर्डर मिस्ट्रीज के दीवाने हो, थ्रिलर के दीवाने हो, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, अच्छी फिल्म है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा कि 4 out of 5 नहीं कहूँगा मैं इसे, बट फिर भी एक बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोगों को अच्छे से एंटरटेन करेगी, एक फैमिली वॉच है, गालियाँ तो ज़रूर हैं बट कोई भी न्यूडिटी नहीं है, इंटीमेट सीन्स नहीं है यहाँ पर, एंड इट्स अ गुड वॉच ओवरऑल, चाहे फिर वो डायलॉग्स हो, चाहे फिर वो एक्टिंग हो, चाहे फिर वो ह्यूमर हो, या फिर कनेक्शन हो, लॉजिक्स पर चलती है ये फिल्म, ऐसा नहीं कह सकते आपकी कुछ भी पकड़ कर डाल दिया बीच में,
कनेक्शन बहुत अच्छा दिखा रखा है। सो सवा दो घंटे बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से मैनेज किया है स्क्रीन प्ले में। एडिटिंग की थोड़ी दिक्कत मुझे लगी, क्लाइमैक्स थोड़ा वीक था, बट फिर भी ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच एंड दैट्स ऑल अबाउट साइलेंस कैन यू हियर इट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू साइलेंस कैन यू हियर इट का? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह के मूवी रिव्यूज, वेब सीरीज रिव्यूज, टीजर ट्रेलर रिएक्शंस के लिए। सो फिलहाल यही था दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।